हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लैम्प। फ्रेंड्स, और कैसे हो आप सब? होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आ गए हैं रट्टा मार करंट अफेयर्स की नई सीरीज, आज के करंट अफेयर अपडेट्स के साथ। सो एज यूजुअल ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो प्लीज़ डू वॉच द फुल वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप, ताकि अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके जिनको इसकी ज़रूरत हो। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन ऑफ द डे। सो फ्रेंड्स, हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज गिवन बाय। तो आपको बताना था कि ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स जो होता है कौन देता है। तो आपके ऑप्शन है इनसीड, एडेको, गूगल, वेल्थहंगर। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। तीनों ने आपस में कॉन्ट्रीब्यूट कर ये ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 दिया है, इनसीड, एडेको एंड गूगल। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन, है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अलाउड NTCA, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, टू ब्रिंग लेपर्ड फ्रॉम विच कंट्री फॉर री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर हैबिटेट। तो आपको बताना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया है NTCA को लेपर्ड लाने के लिए किस कंट्री से। तो आपके ऑप्शन है घाना, नमीबिया, जॉर्जिया, कतर। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नमीबिया। फ्रेंड्स, नमीबिया से लाने जा रहा है इंडिया लेपर्ड्स को फॉर देयर री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर हैबिटेट्स। तो ये यू कैन सी सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे गेव इट्स नॉट टू अ प्रोजेक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सीकिंग टू ब्रिंग अफ्रीकन चीता टू सूटेबल साइट्स इन इंडिया एंड इट विल बी ब्रॉट फ्रॉम नमीबिया, दैट इज नमीबिया। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली गॉट फेमस टाइलर अवार्ड। तो आपको बताना है कि किसको अभी हाल ही में टाइलर अवार्ड दिया गया। तो आपके ऑप्शंस हैं मनोज सुरजीत, रजत कटारिया, पवन सुखदेव, मून जे इन। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पवन सुखदेव। फ्रेंड्स, पवन सुखदेव को दिया गया इस साल का टाइलर अवार्ड। तो हियर यू कैन सी Renowned Indian environmental economist Pawan Sukhdev has been chosen for the prestigious Global Environment Award, that is the Tyler Prize 2020. So friends, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑडियो बुक बिकमिंग वॉन ग्रैमी बिलोंग्स टू। तो आपको बताना है कि ऑडियो बुक बिकमिंग जो जिसने ग्रैमी जीता वो कहां से बिलोंग करता है। तो आपके ऑप्शन है क्रिस्टीना गायरोक, मिशेल ओबामा, बिली एलिस, टेलर स्विफ्ट। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा इट्स ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मिशेल ओबामा। फ्रेंड्स, मिशेल ओबामा को इनके एल्बम बिकमिंग के लिए दिया गया है इस साल का ग्रैमी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फॉर्मर US फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा इज अ ग्रैमी विनर नाउ। ओबामा वॉज ऑनर्ड विद द बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम। किस लिए ऑनर किया गया इनको? बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हर बेस्ट सेलिंग मेमोयर बिकमिंग ड्यूरिंग द 2020 ग्रैमीज। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड द स्पेशल मेंशन ऑनर एज इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन इन UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019। तो आपको बताना है कि किस स्टेट को दिया गया है इस साल का इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड बाई UN। तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, गोवा, केरला, तमिलनाडु। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज केरला। फ्रेंड्स, केरला को दिया गया इस साल का इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन ऑनर। तो आप यहां देख सकते हैं द बैरियर फ्री टूरिज्म प्रोजेक्ट जो कि केरला द्वारा स्टार्ट किया गया था इन त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट हैज रिसीव द स्पेशल मेंशन ऑनर एज इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन इन UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019। और ये कब स्टार्ट किया गया था? इन मार्च 2019 ये बैरियर फ्री टूरिज्म को स्टार्ट किया गया था बाय केरला टूरिज्म फॉर बैरियर फ्री प्रोजेक्ट टू मेक 122 डेस्टिनेशंस इन केरला डिसेबल्ड फ्रेंडली। किस लिए था ये? टू मेक इट डिसेबल्ड फ्रेंडली। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट इंडोर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020। तो आपको बताना कि इंडोर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 कौन से कंट्री में होने जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
फोर्थ दैट इज ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू होस्ट इंडोर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020. तो हियर यू कैन सी ऑस्ट्रेलिया इज सेट टू होस्ट द 11th एडिशन. कौन सा एडिशन? 11th एडिशन ऑफ द इंडोर क्रिकेट वर्ल्ड कप फ्रॉम 10 टू 17th अक्टूबर. सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020 रिपोर्ट इज गिवन बाय. तो आपको बताना है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2020 रिपोर्ट कौन देता है. तो आपके ऑप्शन है WEF, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, ILO और वर्ल्ड बैंक. सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ILO. इंटरनेशनल स्टैंड फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इसने क्या निकाला है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2020 रिपोर्ट. तो उस रिपोर्ट के बारे में आइए जानते हैं. रिसेंटली द ILO हैज रिलीज द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2020 रिपोर्ट, दैट इज वेजो. और अकॉर्डिंग टू इट ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या है, द नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड अराउंड द वर्ल्ड इज अराउंड 188 मिलियंस. तो नियर अबाउट वर्ल्ड में 188 मिलियंस लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड है. एंड सम 267 मिलियन यंग पीपल एज बिटवीन 15 to 24 आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट. तो मीन्स 267 मिलियन उसमें से क्या है जो 15 to 24 एज के हैं और क्या है वो आर नॉट एम्प्लॉयड येट और एजुकेशन और ट्रेनिंग. सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2020 इज गिवन बाय. तो आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन देता है. तो आपके ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNCTAD, UNEP, ILO. सो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज UNCTAD. UNCTAD देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट. तो हियर यू कैन सी द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCTAD, एंड अनदेसा, दैट इज यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, and the five United Nations Regional Economic Commission have jointly released the World Economic Situation and Prospect 2020. तो आपको इसमें ध्यान रखना कि इसमें total 7 लोग हैं जिन्होंने jointly इस report को दिया है. The report suggested that India need to implement structural reform. India को कैसा reform implement करना चाहिए? Structural reform to face a global as well as Indian economic slowdown. The combination of physical stimulus, loose monetary policy and financial sector reform is expected to support a recovery in growth of 6.6%. The report also indicated that India may be among the few countries where the per capita GDP growth rate could exceed 4% in 2020. So friends, हमारा question of the day, तो आप जानते हैं इसका answer आपको comment करके हमें बताना है. So friends, please like, share and subscribe करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा share करो and please इसका answer हमें comment करके ज़रूर बताना. तो आपके क्वेश्चन ऑफ द डे है सुप्रीम कोर्ट अलाउड NTCA टू ब्रिंग टाइगर फ्रॉम नामीबिया टू विच रिजर्व इंडिया. तो आपको मैंने अभी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, टाइगर नहीं होगा यहाँ पे, इट्स नॉट अ टाइगर, इट्स लेपॉर्ड. तो लेपॉर्ड्स को लाने के लिए बोला है फ्रॉम नामीबिया. तो आपको बताना है कि वहां से लाके इनको कहाँ रखा जाएगा. तो आपके ऑप्शन है बांदीपुर नेशनल पार्क, नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कान्हा और सिमलीपाल. तो आप इसका आंसर हमें प्लीज कमेंट करके बताओ. सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर अपडेट. सो स्टे ट्यून्ड और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप. कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.